डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे प्रश्नावली 2.2 के पहले प्रश्न के दूसरे नंबर क्वेश्चन को। तो पहला प्रश्न हम बना चुके हैं, तो दूसरा प्रश्न देखने से पहले आप पहले प्रश्न को जाके देख लीजिए। अगर प्लेलिस्ट में जाके देखना हो तो वहां से देख लीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दोनों का लिंक दिए हैं। ये क्वेश्चन आप समझ लीजिएगा तो इसको समझना और भी आसान हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, यहाँ पे हम लिख देंगे पहला का दूसरा है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 4s² - 4s + 1। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा तो गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कीजिए। तो ध्यान से देखिए, पहले इसके दो शून्यक निकालना होता है। तो शून्य पहले भी वीडियो में बता चुके हैं, इसमें भी बता रहे हैं, ये s के दो मान निकलेंगे, द्विघात बहुपद है तो दो ही निकलेगा, s का दो मान होगा। फिर वो s के मान इसमें रखेंगे दोनों, तो इसका मान कितना आ जाएगा, बराबर के उधर क्या आ जाएगा, मतलब बराबर जीरो के क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो सबसे पहले s का मान निकालेंगे, तो निकालने के लिए इसका गुणनखंड तोड़ना होगा। तो ध्यान से देखिए क्या करना होता है, इसमें फर्स्ट इंटू लास्ट क्या करना होता है, गुणा करना होता है। तो चार से पहले क्या कीजिएगा, एक में गुणा कर दीजिएगा। तो चार में एक से गुणा होगा तो कितना होगा, चार। चार का यहाँ पे गुणनखंड तोड़िए, यहाँ पे दो होगा। लाना है हमको क्या, -4x, बीच वाला लाना होता है। तो यानी -4s लाना है, तो ध्यान से देखिए कैसे लिखा जाएगा, -2s - 2s। तो -2s - 2s मिलके क्या हो जाएगा, -4s हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4s हो जाएगा। तो हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 4s² यहाँ पे लिख दिया जाएगा, -2s - 2s + 1 बराबर के उधर क्या हो जाएगा, जीरो। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे चार है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे 2s है, यहाँ पे 1s है, इन दोनों में क्या खोजना है, कॉमन खोजना है। तो s तो दिख रहा है, लेकिन चार और दो में अगर आपको पता ना लगे क्या कॉमन है, तो ध्यान से देखिए एक ट्रिक होता है, यहाँ पे चार लिख दीजिए, यहाँ पे दो लिख दीजिए, दोनों का गुणनखंड निकाल दीजिए। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे दो बार में जाएगा, ये एक बार में जाएगा। तो ध्यान से देखिए, ये कॉमन कितना है, दो दो दोनों में है, यानी दो कॉमन है, अधिकतम कितना है, दो ही कॉमन है। तो यहाँ पे दो कॉमन है तो दो लिख देंगे। यहाँ पे s दो है, यहाँ पे s कितना है, एक है, तो एक s कॉमन है तो एक s लिख देंगे। तो ध्यान से देखिए, चार में से ध्यान से देखिए, एक दो तो निकल गया, तो बचेगा कितना, एक दो, यानी एक दो यहाँ पे बचा, दो s है तो एक s बाहर निकल गया, तो एक s बचेगा। यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस लिख देंगे। यहाँ पे देखिए दो भी निकल गया है, s भी निकल गया, यानी पूरा का पूरा निकल गया। तो जहां सब निकल जाता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचता है, वहां पे क्या बचता है, एक। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक बचेगा। यहाँ पे देखिए माइनस है तो क्या कर देंगे, माइनस। अब देखिए दो और एक में कुछ कुछ भी कॉमन नहीं है, तो या और s में s भी देख लीजिए, कुछ भी कॉमन नहीं है। जहां पे कुछ भी कॉमन नहीं होता है वहां पे क्या होता है, एक होता है। तो यहाँ पे हम एक ले लेंगे। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो एक कॉमन, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी जब कॉमन नहीं लिया गया है तो वहां पे वही बचेगा, 2s - 2s। और यहाँ पे देखिए जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक, बराबर के उधर क्या हो जाएगा, जीरो। फिर हम इसको गुणा करेंगे तो ऊपर वाला आना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, दो दूना चार, एस में एस से गुणा करेंगे तो x² - s² यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस। यहाँ पे दो में एक से गुणा हो जाएगा तो दो, एस में एक से गुणा हो जाएगा तो 2s। यहाँ पे देखिए -2s है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, तो माइनस प्लस गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस। दो में एक में 2s से गुणा करेंगे तो 2s। यहाँ पे देखिए माइनस और यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। एक में एक से गुणा करेंगे तो एक, यानी ऊपर वाला आ रहा है, यानी सही है। और एक देखिए ध्यान से, ये ब्रैकेट में सेम आना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए सेम आ गया, यानी सही है। तो इसके बदले में हम एक ले लेंगे, 2s - 1, एक ये ले लेंगे, और एक इसको और एक इसको जोड़ के बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये भी 2s - 1 बराबर के उधर क्या बचेगा, जीरो। ये देखिए दोनों जीरो के बराबर है, ये दोनों क्या है, जीरो के बराबर है। तो एक एक करके बराबर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यदि 2s - 1 बराबर जीरो। तो ध्यान देखिए 2s, यहाँ पे -1 है, बराबर के उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। यहाँ पे दो गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, तो यानी 1/2। और इसी s को क्या मान लेंगे, एक अल्फा, अल्फा बराबर क्या मान लेंगे, 1/2। अब इसी तरह इधर का भी निकालेंगे, ध्यान से देखिए लिखेंगे यदि, यहाँ पे देखिए 2s - 1 बराबर उधर क्या हो गया, जीरो। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे
2s इसको क्या कर दिया जाएगा, इधर भेज दिया जाएगा, तो माइनस एक है उधर जाएगा तो प्लस एक, यानी दो इधर गुणा कर रहा है उधर जाएगा क्या करेगा भाग, तो एक बटा कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। इसको काम मान लिया जाएगा बीटा, तो बीटा बराबर कितना हो गया, एक बटा दो। अब इसका यहाँ पे जांच करेंगे, ध्यान से देखिए जांच कैसे होता है, इसको रफ कर देते हैं थोड़ा। जांच के लिए एक फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिए, अल्फा गुणे बीट अल्फा जोड़ बीटा, यानी शून्यकों का योग बोला जाता है, यहाँ पे लिख देते हैं हम जांच। जांच के लिए फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए। तो ध्यान से देखिए शून्यकों का योग भी इसे बोला जाता है, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग। तो अल्फा का मान कितना है, एक बट्टा दो, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक बट्टे दो। प्लस बीटा का मान भी कितना है, एक बटा दो, यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे भी लिख देंगे एक बटा दो बराबर। यहाँ पे देखिए पहले से माइनस है तो माइनस, अब बी देखेंगे तो बी क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर जो एस में गुणा करता है, एस स्क्वायर में वो ए होता है, जो केवल एस में गुणा करता है वो बी होता है, और जो जिसमें एस एक्स कुछ भी नहीं होता है चर, वो क्या होता है, सी होता है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे देखिए बी, तो बी यहाँ पे देख सकते हैं आप, बी क्या है, माइनस चार है। ध्यान से देखिए बी क्या है, माइनस चार है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस चार। और बट्टा ए देखेंगे तो ए कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं ए का मान कितना है, चार है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, चार। अब यहाँ पे बट्टा का जोड़ बनाएंगे तो दो दो का लघुत्तम कितना हो जाएगा, दो, दो से दो एक बार में कटेगा यानी ऊपर एक आएगा, प्लस यहाँ पे देखिए दो से दो भी एक बार में कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। बट्टा का जोड़ आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस जब गुणा होगा तो प्लस चार बट्टा कितना हो जाएगा, चार। तो यहाँ पे देखिए एक एक कितना हो जाएगा, दो बट्टा दो बराबर यहाँ पे आ जाएगा चार बट्टा चार, कट के यहाँ पे कटेगा यहाँ पे कटेगा, तो यानी एक बराबर क्या आ जाएगा, एक। तो ध्यान से देखिए ये बराबर आना चाहिए, ये क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। जब बराबर आ जाएगा तो समझ लीजिए कि जो बनाया हुआ है वो सही है, जांच भी हमारा क्या है, सही है। अब दूसरा होता है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसके आप नीचे लिखिएगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं, जगह नहीं है तो। अल्फा गुणे बीटा, अब शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है सी बट्टा ए। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे अल्फा का मान यहाँ से देख सकते हैं, अल्फा का मान एक बट्टा दो है, तो यहाँ पे लिख देंगे एक बट्टा दो। और बीटा का मान कितना है, ध्यान से देखिए ये भी एक बटा दो है, तो यहाँ पे लिख देंगे एक बटा दो बराबर होता है सी बटा है, तो सी कहाँ से है, तो ये है, तो सी का मान एक है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे एक। और ए का मान कितना है, ध्यान से देखिए ए का मान यहाँ पे क्या है, चार है। ध्यान से देखिए यहाँ पे ए का मान क्या है, चार है, तो यहाँ पे लिख देंगे चार। अब गुणा करा दीजिए, ऊपर एक में एक से गुणा होगा तो एक, और नीचे ध्यान से देखिए यहाँ पे दो दूना कितना होगा, चार बराबर एक बटा चार। ये भी क्या आ गया हमारा, बराबर आ गया। ध्यान से देखिएगा ये भी क्या आ गया, बराबर आ गया, ये भी बराबर आना चाहिए। शून्यकों का गुणनफल वाला जो फॉर्मूला है और जो शून्यकों का योग वाला भी, दोनों क्या है, बराबर आना चाहिए। जब बराबर आ जाएगा दोनों तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे एक बराबर एक है, यहाँ पे एक बटा चार बराबर एक बटा चार। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, समझ में आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं कुछ ऐसे ही वीडियो में।